हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज आप लोगों के लिए हम एक नया टॉपिक लाए हैं, दैट इज फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के टाइम पर स्टूडेंट आपको ये क्लेरिफिकेशन जरूरी है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी इसे क्यों करती है और क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट सीखते हैं कि शेयर फॉरफीचर का मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखिए, बेसिकली जब कब शेयर होल्डर कोई भी शेयर परचेज करता है तो कंपनी के साथ उसका ये बाउंड हो जाता है कि वो हर कॉल का पैसा टाइम पर पे करे। बट नाउ सपोज कि कंपनी ने 10 रुपीज फेस वैल्यू में से जो जो कॉल आपसे कॉल अप की है, आउट ऑफ डेट अगर आप कोई कॉल देने में कैपेबल नहीं होते तो एट दैट टाइम कंपनी के डायरेक्टर के पास ये राइट्स है कि आपको एक नोटिफिकेशन इशू करके आपके शेयर्स को कैंसिल कर दे। एंड दिस कैंसिलेशन इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। चलिए फॉरफीचर ऑफ शेयर की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, सो डायरेक्टर मे बी कैंसिल हिज शेयर एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग स्टूडेंट ये हुआ कि अगर आप कोई कॉल नहीं पे करते तो डायरेक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि आपके शेयर कैंसिल कर दे। कैंसिल करने का मतलब दैट मींस कि आपका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर से कैंसिल कर दिया जाएगा और ये शेयर्स कंपनी के पास आ जाएंगे एंड कंपनी इसको किसी दूसरे पर्सन को अलॉट कर सकती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप शेयर फॉरफीचर करेंगे तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि शेयर हमारे पार पे इशू थे या प्रीमियम पे। अगर शेयर पार पे इशू है तो उसके अंदर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो इसके अंदर स्टूडेंट अगर हम देखें तो देखिए आपको ये चीज यहां पर क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। 3 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर के लिए होगा जिन्होंने पेमेंट नहीं करी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट यहां पर 100 है। कंपनी ने कितना पैसा अभी तक कॉल्ड अप किया है? सबसे पहले आप 3 चीजों पर ध्यान देंगे। कितना पैसा कंपनी ने मांगा है, कॉल्ड अप किया है, आउट ऑफ डेट हमारे शेयर होल्डर ने कितनी पेमेंट कर दी है और कितनी पेमेंट नहीं की है। क्योंकि जब हम शेयर फॉरफीचर करते हैं तो डेट मीन टू से हम उस शेयर होल्डर को कैंसिल कर रहे हैं अपनी कंपनी से ना। अब उस शेयर होल्डर को नेचुरल है पूरा क्लेरिफिकेशन देंगे कि मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, आपके शेयर हम फॉरफिटेड कर रहे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेट मनी। सो डेट मीन्स अगर हम देखें तो हम 3 क्लेरिफिकेशन यहां पर लेके चलते हैं। नंबर 1, कितना पैसा कंपनी ने आपसे मांगा था, आउट ऑफ डेट कितना अमाउंट आपने सक्सेसफुली पे कर दिया एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो आपने पे नहीं किया ड्यू टू डेट रीजन आपके हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप ट्रांसलेशन मीनिंग निकालिए कि कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखिए स्टूडेंट, 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किए हैं 10 रुपीज ईच शेयर कॉल्ड अप है, तो डेट मीन 1000 रुपीज कॉल्ड अप है। आउट ऑफ डेट ही डिड नॉट पे द 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। सो दैट मींस आउट ऑफ द 10 ही डिड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। सो व्हाट अमाउंट ही हैड ऑलरेडी बीन पेड, दैट इज ₹5। तो इसका मतलब यहां पर हमने जो 3 क्लेरिफिकेशन लिए हैं स्टूडेंट, आउट ऑफ 10 इज अ कॉल्ड अप मनी, ₹5 वो ऑलरेडी पे कर चुका है एंड रिमेनिंग 5 उसने पे नहीं किए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम चलें तो सबसे पहले जब हमने आपको शेयर कैपिटल दी थी तो आपके नाम पर कैपिटल क्रेडिट की थी, राइट? अब आपके शेयर सब कैंसिल कर रहे हैं तो वही शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां पर डेबिट कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री हमने क्या बनाई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 1000 रुपीज। 1000 रुपीज कहां से आया? आपके पास 100 शेयर थे और 10 रुपीज उसके अंदर कॉल्ड अप था, तो डेट मीन टोटल जो कॉल्ड अप मनी हो गई कंपनी की वो भी 1000 रुपीज। पहला क्लेरिफिकेशन क्लियर। एंड आउट ऑफ डेट मैंने क्या कहा था आपको कि कितना अमाउंट उसने पे कर दिया और कितना अमाउंट पे
नहीं किया। तो अगर यहां पर देखें, he did not pay the 2 rupees on first call and 3 rupees on final call. So student, to share first call with 200 rupees, 100 into 2 rupees जो उसने पे नहीं किया, and share final call 300 rupees, 100 into 3 जो कि shareholder ने पे नहीं किया। अगर आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप calls in arrear account maintain करके चल रहे हैं, तो फिर आपको इन दोनों account की जगह calls in arrear account maintain करना है। That is, be careful, ध्यान रखिएगा, अगर share capital account, अगर आप calls in arrear account maintain कर रहे हैं, तो आपको यहां पर calls in arrear account maintain करना है। And after that, share forfeiture account. Share forfeiture का मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपका पैसा जो आपने pay कर दिया था, वो company जब्त कर रही है, यानी forfeited कर रही है। So, 5 rupees जो आप already pay कर चुके थे, वो जब्त कर लिया गया है, forfeited कर लिया गया है, and that is transferred to share forfeiture account. अब एक बार इसको complete recap करते हैं student. देखिए, कंपनी ने टोटल 100 शेयर जो कि 10 रुपीस कॉल्ड अप था, आउट ऑफ दैट ही डिड नॉट पे 2 रुपीस ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीस ऑन फाइनल कॉल। एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 1000 रुपीस, टोटल मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी, एंड आउट ऑफ दैट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 200 एंड 300 व्हिच ही डिड नॉट पेड, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑफ रुपीस 500 व्हिच ही हैड ऑलरेडी पेड। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्लेरिफाई करना चाहूंगा स्टूडेंट आपको, यहां पर आप देख रहे हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी थी पर आपने नहीं पे करी, एंड अनदर फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी आपकी फर्स्ट कॉल के बाद भी वेट कर रही है। सो स्टूडेंट, यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा कहीं पर भी कोई भी 100% कोई बाउंडेशन नहीं है कि कंपनी आपके फाइनल कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिटेड करेगी। डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, जब आपको एक रिमाइंडर नोटिस दे दिया जाता है 14 डेज पीरियड जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद कंपनी आपको नोटिस देकर आपके शेयर फॉरफिटेड कर सकती है। डायरेक्टर के पास ये 100% ऑप्शन है कि फर्स्ट कॉल ना पे करने के बाद इमीडिएटली आपके शेयर फॉरफिटेड हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा स्टूडेंट। सेम एग्जाम्पल मैंने एक नीचे डाला है, देखिए यहां पर भी 100 शेयर है, बट ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड द डायरेक्टर्स forfeited share. क्यों? The final call of rupees 3 per share was not yet due. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। पहले क्वेश्चन में कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, आफ्टर दैट सेकेंड कॉल ड्यू करी, उसके बाद आपके शेयर फॉरफिटेड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल लिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, बट बिफोर द सेकेंड कॉल कंपनी ने एक्शन ले लिया उस शेयर होल्डर के ऊपर और उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, राइट? अब जनरल एंट्री में, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या चेंज आएगा, ये आपको क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि मैंने तीन बातें आपको बताई थी, कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, आउट ऑफ दैट कितना पैसा आपने पे किया है, और कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं फॉरफीचर उन शेयर के लिए जो शेयर ओरिजिनली इश्यू किए गए थे प्रीमियम पर। अगर हमें यह देखना हो कि प्रीमियम पर शेयर इश्यू करने के बाद कंपनी कैसे फॉरफीचर करती है, तो उसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, वो लिया है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, बट इसके अंदर हमें कुछ एंगल से चीजों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट। एज पर द क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट, जैसे हमने पार पे किया था सेम वही कॉन्सेप्ट है, पर यहां पर क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का है। प्रीमियम में हमें देखना क्या है कि प्रीमियम में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी पे कर दिया था या नहीं। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें यह पता लग रहा है कि ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, इसका मतलब ही हैड बीन पेड द प्रीमियम अमाउंट, वो प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी पे कर चुका है। अब अगर हम इसकी एंट्री बनाना चाहें तो इसका मतलब हमारे लिए एंट्री वाइज यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमने इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट पार में फॉरफीचर किया था, वही हम फॉरफीचर की एंट्री यहां पर करेंगे। अगर हम प्रीमियम को यहां पर इग्नोर कर दें तो हमारा क्वेश्चन देखिए स्लाइटली वही बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पार पे था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, दैट इज टोटल कॉल्ड अप अमाउंट,
टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 रुपीज नॉट पेड बाई हिम, टू शेयर फाइनल कॉल 300 रुपीज दैट इज ऑल्सो नॉट पेड बाई हिम, एंड फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट यहां पर 500 से हुआ है। प्रीमियम को यहां पर जनरल एंट्री में बिल्कुल इग्नोर किया गया है। तो दैट मींस हमारा यहां पर कंक्लूजन क्या हुआ स्टूडेंट, हमें कंक्लूजन ये सीखना है कि अगर हमारे शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं और प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है, तो दैट मीन टू से हम प्रीमियम को फॉरफीचर के टाइम पर इग्नोर करके चलेंगे। लॉजिकली अगर समझे तो देखिए, फॉरफीचर के टाइम पर क्यों इसको इग्नोर किया गया है, क्योंकि जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू किया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और इट मेक पॉसिबल एप्लीकेशन, तब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट किया होगा, एंड जब शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो वो बैंक में डेबिट हो गया। इसका मतलब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लिया था, इसलिए अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब यहां पर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे जिसमें हम आपको यह समझा सकें कि प्रीमियम अगर पे ना किया हो तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटीज चेंज हो गई है। क्या चेंज है देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। व्हाट इज मीन बाय दैट, दैट मींस के यहां पर हमारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर 4 रुपीज पे नहीं किए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब स्टूडेंट, एग्जांपल हमें क्लियर कट हिंट दे रहा है कि आपने यानी कि शेयर होल्डर ने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम पे ना करने पर हमारे लिए फॉरफीचर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं बट स्टिल क्योंकि रिसीव नहीं हुआ तो वह अकाउंट हमारा पेंडिंग है। तो दैट्स वाई अब जनरल एंट्री में हम लोग क्या चेंज देखेंगे। जनरल एंट्री में स्टूडेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200, दैट इज द मेजर चेंज। इसका मतलब ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग प्रीमियम पे कर चुके थे तो हमने वहां पर इग्नोर किया था फॉरफीचर की एंट्री में, बट अगर यहां पर प्रीमियम पे नहीं किया तो नाउ इट शुड बी डेबिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। व्हाट इज मीन बाय दैट, इसका मतलब हम इस प्रीमियम को यहां पर कैंसिल कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ दैट ही डिड नॉट पे द शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, दैट मींस 400। फर्स्ट कॉल मनी ही ऑल्सो डिड नॉट पे 300 रुपीज एंड 500 रुपीज एग्जैक्टली ही ऑलरेडी पेड। सो एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रुपीज 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट विद रुपीज 200, फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो उसने नहीं पे करी वो क्रेडिट की जाएगी, दैट मींस टू शेयर अलॉटमेंट 400 रुपीज, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300 रुपीज एंड टू शेयर फॉरफीचर 500 रुपीज। तो इस तरह से स्टूडेंट फॉरफीचर के टॉपिक में हर कॉन्सेप्ट में आपको वही तीन चीजें समझनी है जो समझाई गई थी पहले भी, कितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप किया है टोटल, आउट ऑफ दैट कितना पैसा हमारे शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि फॉरफीचर का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाएगा, दैट इज शेयर रीइश्यू। शेयर रीइश्यू के लिए स्टूडेंट अगर हम देखें तो फॉरफीचर शेयर जो कंपनी ने किए दैट कैन बी रीइश्यू, उसको रीइश्यू कर सकती है कंपनी। फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ध्यान रखिएगा इस चीज को, बट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर होल्डर सो फार। सिंपल लॉजिक क्या कहते हैं, कंपनी ने आपके शेयर फॉरफिटेड किए, कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर अपने पास तो रखेगी नहीं, इसका मतलब कंपनी इन शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को अलॉट कर देगी, बट क्योंकि आपसे भी ऑलरेडी पैसा आ चुका था प्रीवियस शेयर होल्डर से तो कंपनी के पास यहां पर ऑप्शन है कि अब सेकंड शेयर होल्डर को और कंपनी चाहे तो कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। स्टूडेंट अगर हम उसी एग्जांपल को रिपीट करें तो फॉरफीचर की एंट्री देखिए हम ऑलरेडी कर चुके थे, 200 शेयर अगर यहां पर हम देखें सेम पैटर्न पे तो 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच कंपनी फॉरफिट कर रही है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 1 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो फॉरफीचर की एंट्री क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 दैट इज अ कॉल्ड अप मनी, टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 रुपीज, टू शेयर फाइनल कॉल 600 रुपीज एंड टू शेयर फॉरफीचर 1200 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1200 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका था जिसको कि हमने फॉरफिटेड कर लिया।
अब बारी आती है इसको इशू करने की। स्टूडेंट यहां पर कंपनी के पास ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में देखिए, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर फुली पेड। कंपनी ने किसी दूसरे शेयर होल्डर को पकड़ा और कहा कि भैया हम आपको शेयर सेल कर देते हैं ₹7 में, फुली पेडअप। फुली पेडअप का मतलब आपके शेयर में पेडअप वैल्यू ₹10 रहेगी, बट आपको पे करने हैं ₹7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंपनी ने यहां पर आपको ₹3 का डिस्काउंट ऑफर किया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। क्योंकि मैं शेयर किसी दूसरे शेयर होल्डर को अलॉट कर रहा हूं, इसका मतलब शेयर कैपिटल दोबारा से क्रेडिट होगी। एज पर द अकाउंटिंग फंडामेंटल डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में जो पैसा आ रहा है वो डेबिट किया गया है। तो अगर हमारे पास 200 शेयर थे जिसको कि हमने ₹7 में रीइश्यू किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 200 × 7 ₹1400 अब हमें रिसीव होंगे बैंक में। सो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट ₹1400। जबकि शेयर थे कितने के? ₹10 के, यानी कि ₹2000 के। बीच का जो गैप रह गया, यानी कि वो जो लॉस है, वो जो डिस्काउंट है, कंपनी के पास एक बड़ी सिंपली ऑप्शन होती है। क्योंकि प्रीवियस शेयर होल्डर से फॉरफीचर अकाउंट में पैसा ऑलरेडी आ चुका था, तो कंपनी यहां पर रीइश्यू में होने वाला लॉस उसी फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज कर सकती है। इसीलिए आपको समझाया गया था कि फॉरफीचर और रीइश्यू के बीच में जो हमारी रीइश्यू में डिस्काउंट होगा वो इस फॉरफीचर से एक्सीड नहीं कर सकता। तो रीइश्यू की एंट्री क्या बनी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट ₹1400 जो कि रीइश्यू प्राइस है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹600 जो कि डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल ₹2000 जो कि हमारी फुली पेड वैल्यू है, राइट। इसके बाद इन पूरी ट्रांजेक्शन में ये शेयर पहले किसी और शेयर होल्डर को इश्यू किए थे, फॉरफीचर किए गए, फिर अनदर शेयर होल्डर को इश्यू किए, राइट। उसके बाद ऑल ओवर कंपनी को क्या कुछ बेनिफिट हुआ? कंपनी ने पहले शेयर होल्डर से फॉरफीचर अकाउंट में ₹1200 रिसीव किए थे। अब अगर हम यहां पर देखें दूसरे शेयर होल्डर को जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो एट दैट टाइम हमें 600 का लॉस हुआ। तो यहां पर स्टूडेंट हमें यह समझना जरूरी है कि 1200 माइनस 600 रिमेनिंग 600 जो कंपनी को अभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट बेनिफिट है, जो फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि वो शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, तो नाउ कंपनी कैन ट्रांसफर दैट फंड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसलिए कंपनी फॉरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल के क्लोज कर देती है। इसी टाइप से स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर हैड नॉट येट बीन, अभी तक बनाई नहीं गई है, 60 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹4 पर शेयर एज ₹7 कॉल्ड। अब यहां पर फॉरफिचर हम पहले भी कर चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 700 क्योंकि कॉल्ड मनी ₹7 है, टू शेयर फर्स्ट कॉल जो उसने शेयर होल्डर ने नहीं पे करी ₹200 एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट ₹500। कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू करना चाह रही है। तो कंपनी अगर रीइश्यू करना चाह रही है तो स्टूडेंट यहां पर लाइन अगर देखिए तो 60 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब अगर ये 60 शेयर हम ₹4 में रीइश्यू करते हैं तो डेट मीन्स हम रीइश्यू जो कर रहे हैं बैंक में पैसा कितना आएगा? डेट इज 60 × 4 ₹240। जबकि इन्हीं शेयर्स की स्टूडेंट पेडअप वैल्यू कितनी थी? ₹7। फुली पेडअप नहीं है, ध्यान रखेंगे ₹7 पेडअप है, तो डेट मीन्स हम यहां पर ₹7 ही लेके चलेंगे। 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 ईच, डेट मीन्स ₹420 एंड द डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर दैट इज डिस्काउंट दैट इज ऑल्सो चार्ज फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ₹7 कॉल्डअप आपको कहा गया है, इसका मतलब यह है कि कंपनी फ्यूचर में आपसे बाकी के ₹3 कॉल्डअप करेगी। अगर यहां पर ₹7 कॉल्ड अप की जगह फुल्ली पेड अप कहा जाए तो आप यहां पेड अप वैल्यू में ₹10 डालेंगे और उसके बाद डिफरेंस फॉरफीचर में डालेंगे एंड द रिमेनिंग प्रोसीजर दैट इज सेम, कंपनी का जो फॉरफीचर का बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमने जो फॉरफिटेड किए थे दैट इज 100 नंबर ऑफ शेयर 100 थे, बट रीइश्यू किए थे दैट इज ओनली 60 शेयर। तो लेट रिमेंबर आपको कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। आपने देखिए कैपिटल रिजर्व में पहले जो अमाउंट लिया था दैट इज ₹500, बट ₹500 जो अमाउंट था दैट इज फॉर 100 शेयर, तो आपको उसको प्रोपोर्शनेटली लेना है 60 शेयर्स पर।
और उसमें से आप रीइश्यू में जो आपने फॉरफीचर यूज कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इसका मतलब हमने 100% फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, अभी फॉरफीचर में कुछ पैसा बचा हुआ है। वो पैसा, वो फंड कब काम आएगा? जब हम रिमेनिंग बाकी के बचे हुए 40 शेयर इशू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको फॉरफीचर एंड रीइश्यू ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।